हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड किचन में। तो आज की स्नैक्स की रेसिपी में ना हम आलू यूज़ करेंगे और ना ही हम बेसन यूज़ करेंगे। कई बार हमें आलू खाते खाते हम बोर हो जाते हैं, या बहुत से लोगों को आलू खाना मना होता है, या बहुत से लोग आलू खाना अवॉइड करना चाहते हैं, बट उसके बाद भी कुछ टेस्टी और यमी सा खाना चाहते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के बगल के बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कद्दूकस की हुई गाजर लिया है, तो गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और 1 मीडियम साइज की प्याज जिसको ऐसे बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेंगे उसको ऐड कर दिया, 2 छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक ऐड कर दिया। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वीडियो मिस हो गया है, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच भुना चने का पाउडर लिया है। जो चना जो होता है जिसको भुना हुआ होता है उसको हमने पाउडर बना लिया था। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला यूज किया, और डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भुना चने का पाउडर है उसको हम सत्तू भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम बेसन की जगह पे सत्तू यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी भी मिक्सचर कंबाइंड नहीं हो रहा प्रॉपर, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच और सत्तू ऐड कर दिया। तो जो भुने चने का सत्तू यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बेसन की जगह, तो अब देखिए इसको अच्छे से हाथ से हम मिक्स करेंगे। जब हाथ से मिक्स करेंगे तो इसमें हमने नमक भी ऐड किया है, तो जो प्याज है और गाजर है वो हल्का हल्का पानी छोड़ेगा, तो उससे हमारे ये डो जैसी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। हम यहाँ पे मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए हमने बिल्कुल भी पानी यूज नहीं किया है, ये बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट हम इसके गोल गोल लोइयां जैसे बना लेंगे, तो जैसा आपको बड़ा छोटा शेप चाहिए वैसा आप साइज का ले लीजिए, और बस इसको ऐसे हाथ के बीच में रख के, और मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल पूरा टिक्की का शेप नहीं दे रही हूँ, हल्का सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में दे रही हूँ, तो ऐसे जैसे क्वाइन होता है वैसे ही अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे राउंड कर लेंगे। तो एक रेडी हो गया, ऐसे ही हम सारे को रेडी कर लेंगे, सारी टिक्कियों को रेडी कर लिया हमने। और यहाँ पे पैन में हमने ऐड किया 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं इस रेसिपी को हेल्दी बनाना चाह रही थी, तो इसलिए कम तेल ही यूज़ किया, बट आप तेल और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, कम तेल में भी बनाने पे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सारी जो टिक्कियाँ थी उनको हमने इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो मिक्सचर था उस पूरे मिक्सचर से टोटल 5 टिक्कियाँ बन रही हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने इसको हल्का सा सिलेंड्रिकल शेप दिया था, तो मैं इसको ऐसे राउंड राउंड करके सारी तरफ से पकाऊंगी। तो देखिए एक साइड से हल्का लाइट ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसको पलट देंगे, पलटेंगे नहीं ऐसे खड़ा कर देंगे क्योंकि मैंने रोल रोल किया है। फिर चिमटे की हेल्प से पकड़ के मैं इसको राउंड करते करते सारी टिक्कियों को चारों तरफ से पका लूँगी, दोनों साइड से, और राउंड राउंड जो कॉर्नर्स हैं उन सब पे मैं पका लूँगी। देखिए बिल्कुल ऐसे ही ऐसे राउंड कर करके, और इनको चारों तरफ से लाइट ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। तो बस बिल्कुल ये रेडी हो जाते हैं, ये 5 मिनट में बनके बिल्कुल तैयार हो जाती है, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पकाने की टेंशन नहीं लेनी होती है, क्योंकि गाजर और जो भुना हुआ चने का पाउडर होता है वो ऑलरेडी पका हुआ होता है। तो ये 5 मिनट में बनके बिल्कुल चटपटा सा स्नैक्स तैयार हो जाता है। तो ये देखिए सारी तरफ से ये बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, तो बस फटाफट इसको प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए टमाटो सॉस या खट्टी चटनी या तीखी चटनी के साथ, और गर्मा गर्म चाय के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।